हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली बबली को प्रेम विवाह करने की ऐसी सजा मिली है कि वह अब प्रेम के नाम से ही कांप जाती है। दरभंगा का एक युवक अमृतेश मोहन गुड़गांव में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वहीं पर बबली से आंखें चार हुई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी रचा ली। अमृतेश ने बकायदा बबली से अंतरजातीय शादी की, हरियाणा में ही उसके साथ रहने लगा, लेकिन जब दोनों दरभंगा पहुंचे तो लड़की को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मारने पीटने लगे, दहेज और जाति तक बात पहुंच गई। तंग आकर बबली ने केस कर दिया, पुलिस ने सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2020 में अमृतेश अपनी पत्नी बबली को लेकर दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। उसके बाद बबली पर जुल्मों सितम का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार उसे मारपीट कर हरियाणा भगा दिया गया। वहीं पर बबली को पता चला कि उसके पति अमृतेश मोहन ने दरभंगा में ही माता पिता की मर्जी से किसी दूसरी लड़की से शादी रचा ली है, जबकि बबली से उसका एक बच्चा भी है। दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं। उसके बाद बबली दरभंगा वापस आई और अपने ससुराल में रहने लगी। सास ससुर को बबली का यहाँ रहना पसंद नहीं आया और उसके साथ मारपीट की जाने लगी। सास ससुर ननद और देवर समेत सभी लोगों ने उसके साथ अक्सर मारपीट की। लोगों ने उसका फोन तोड़ दिया और उसे घर से निकालने की लगातार कोशिशें जारी रहीं। बबली ने बताया कि ससुराल के लोगों का कहना था कि लड़की उनकी जाति की नहीं है और दहेज लेकर नहीं आई है, इसीलिए उसे घर में नहीं रखेंगे। इस बीच बबली का पति अमृतेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ दूसरी जगह रहने लगा। आखिरकार बबली ने दरभंगा के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की प्राथमिकी ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी उस पर जुल्मों सितम कम नहीं हुए। यहां तक कि इस मारपीट से पड़ोसी भी तंग आ गए। उन्होंने बबली के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस को जाकर सूचना दी। उसके बाद पुलिस आई तब बबली ने मारपीट का एक केस विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर सास ससुर को गिरफ्तार किया। सदर SDPO कृष्ण नंदन प्रसाद ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की को न्याय जरूर मिलेगा। 8 साल पहले गुड़गांव में दरभंगा के अमृतेश मोहन के साथ प्रेम विवाह हुआ था। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, माँ हरियाणा में रहती हैं, माँ के अलावा जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मैं 2020 में ससुराल रहने आई तो ससुराल के लोगों ने कुछ ही दिनों बाद हरियाणा भगा दिया। इसके बाद अमृतेश की दूसरी शादी कर दी। मैं दोबारा लौट कर ससुराल आई। अब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ससुराल के साथ रह रही हूँ। ससुराल से भगाने के लिए मेरे साथ हर दिन मारपीट की जाती है, जान से मारने की कोशिश की जाती है। मेरा बच्चा भी है। मैं पुलिस में बार बार खुद को बचाने और न्याय किए जाने की गुहार लगाती रही हूँ। इसी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा बबली का कहना है। पीड़ित लड़की जो भी आरोप लगा रही है वह गलत है। लड़की ने मेरे बेटे के साथ पहले ही तलाक ले लिया है, इसके बावजूद वह अपने छोटे बच्चे के लिए 25 लाख रुपए मांगती है। नहीं देने पर लड़की मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट करती है, ऐसा कहना है बबली के ससुर श्यामानंद झा का। हरियाणा की एक लड़की बबली ने शिकायत की है कि दरभंगा के लड़के से उसकी शादी हुई है। जब वह ससुराल में रहने आई तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे घर से निकालने की कोशिश की जाती है। लड़की ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है, पीड़ित लड़की को न्याय जरूर मिलेगा। लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।